हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। मैं मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज, दो दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा मालूम है। आप दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चेयर लीडर हूँ वहाँ पर, मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी सुनने लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, दो दो साल से बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं, उत्तराखंड बेरोजगारी महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति सद्भाव प्रेम विकास यात्रा को जेल में जा रहे, दो दो साल से बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति सद्भाव प्रेम भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत पे नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें, आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था, सुनिए आप। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जी राजस्थान जो खबर आप तक पहुंचा रहा था उसी पर मुहर लगी है। सबसे पहले जानकारी हमने साझा की थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे और आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर मुहर लगा दी। तो जी राजस्थान के खबर पर
मुहर लगाई खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि जहां अटकलों का बाजार गर्म था, जहां तमाम तरह की बातें कयास लगाए जा रहे थे, उस बीच जी राजस्थान ने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से फाइनल किया जा चुका है। और देखिए कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो परसों हुए घटनाक्रम के बाद इस बात को लेकर अडिग हैं कि अब वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि तस्वीरें साफ हैं बिल्कुल, किसी तरह के कोई अंदेशा जो है अब कुछ नहीं रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपनी जुबान से ये एक बात कह दी, साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस पर फैसला करेंगी, यानी कि अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे या फिर इस माहौल में भी इस तरह की स्थितियों में मुख्यमंत्री में कोई बदलाव होगा। हालांकि इसकी संभावना शून्य के बराबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पूरा जो फैसला है ये आलाकमान पर छोड़ा है, यानी अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए हैं, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जी राजस्थान ने जो सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, बिल्कुल सटीक वैसा ही मामला जो है अशोक गहलोत ने बताया है मीडिया से बातचीत करके। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई थी कोची जाकर, तो उन्होंने उन्हें एक बार आखिरी बार मनाने की कोशिश की थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने खुद सामने आकर कहा कि तब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए वो नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन परसों जो कुछ हुआ उससे वो आहत हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश भर में संदेश गया उससे मैंने फैसला कर लिया कि इस माहौल में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। तो एक लाइन में बात सब कुछ साफ, अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत बाहर, खुद उन्होंने मना कर दिया अध्यक्ष बनने को लेकर, नामांकन भरने को लेकर। दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगर किसी तरह के कोई बदलाव की स्थिति बनती है तो उन्होंने ये पूरा जो फैसला है आलाकमान पर छोड़ दिया है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है। तो जो हालात हैं वो अब सामान्य होने की संकेत मिल गए, तो इसी बात का इंतजार था जिस पर खुद जी राजस्थान ने सबसे पहले आपको जानकारी दी, लेकिन उस पर मुहर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगा दी। मनोहर हमारे साथ हैं, मनोहर सबसे पहले जानकारी जी राजस्थान ने दी और मुख्यमंत्री ने खुद मुहर लगाई, अब तस्वीर बिल्कुल साफ, अध्यक्ष पद के नामांकन से दूर अब राजस्थान को संभालेंगे अशोक गहलोत, जैसा चल रहा था वैसी स्थितियां होंगी, किसी तरह की कोई इसमें छेड़छाड़ कोई बदलाव की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से हमने सुबह से हम जो खबर दिखा रहे हैं, हाँ। सुबह से हम जिस तरीके से कंफर्म किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो ऑफर हुआ उसमें साफ तौर से उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह रेस में आगे आ गए थे, जो हम सुबह से खबर दिखा रहे हैं, और उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से राजस्थान में घटना घटी और जो हालात बने उसके बाद मैंने अपने आप को अध्यक्ष पद की दौड़ से अलग कर लिया और दूर कर लिया, मैंने फैसला किया कि मैं अध्यक्ष के लिए नामांकन नहीं करूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि यह आलाकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये इस सवाल का जवाब साफ तौर से वही देते हुए नजर आए कि आलाकमान सोनिया गांधी है, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री पद पर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे और कब तक रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी, बिल्कुल दुरुस्त कर दी और कह दिया कि किसी भी तरीके से वो अध्यक्ष की दौड़ में अब नहीं है और अध्यक्ष में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से हम जो दस्तावेज का हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने सोनिया गांधी से सॉरी फील किया है उस घटना को लेकर के, और जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और मेरे पूरे 45 साल 50 साल के करियर में और कांग्रेस साल का इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित होता था लेकिन वो मैंने करवा पाया नहीं करवा पाया, इसलिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ साफ करी और सबको बताई कि इस तरीके से हमारी सोनिया गांधी से स्वार्थपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। दूसरा, उन्होंने कहा है कि देश में मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, मुद्दा यह है कि देश में क्या हो रहा है और देश की चुनौतियां क्या है और देश में चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी कैसे तैयार है और कितनी तैयार है, इसको मुद्दा यह होना चाहिए। और बात यह उन्होंने साफ तौर से कही कि इसके लेकर राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। अभिनव, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस बात का इंतजार था कि मुख्यमंत्री, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री